समाचार? रुको, आपको नाम का? रनिया। आप कहाँ के रहने वाले हो? जनमार। और लॉकडाउन में आपकी महीने की तनख्वाह जो है उसका क्या हुआ? 600 मिलता है पर बस। आप पैसे कम मिलने में आप कैसे चला पाते हैं? आप कैसे चले माले, अब जैसे चला तो हमारी जान ही थी। अब 600 रुपया मिले कैसे जना के पूजा रही, छह महीना भरे में नहीं पूजे। अब काका ये किसे रोइए, ना मुजरा से काटरी जा रहा है साथ में, ना सरपंच जा रहा है। अब उसे जाते बैंक में बस सिपाही खड़ा रुके हो। रनिया तब कैसे आई हम कर माले के आए। और आप भी आपके नाती पोता हैं जो छोटे छोटे बच्चे, वो अभी कैसे सीखते होंगे लॉकडाउन में, क्योंकि स्कूल तो नहीं खुलते? वे अलग हैं, हम अकेले हैं। और अभी आपकी सबसे बड़ी दिक्कत का है समस्या? जैसे हम ही भोग रहा, किसे कहिए किसे सुना, जब कोई नहीं लगता हमारे संग, न सेक्रेटरी सरपंच कोई, ना बड़ा आदमी ना हल्के, कोई से कछु नहीं कही। 600 मिले बैंक गए मिल गए निकाल लाए, ना तेल जो कछु लेने भाई सब गल्ला सरकार से लगे सुबह में लाते हर महीना में सब बोली से बेई खाई खाई किसे रोई जब कोई नहीं सुना। और लॉकडाउन में आप पूरे दिन क्या करते हो घर में? कुछ नहीं, बैठे रहते कहा बार बेखी नकड़ियाँ ले आए बेटा अपने खाए वाले, कुछ नहीं करते। और अगर से ऐसे ही जो लॉकडाउन लगो रहो तो क्या हुए? अब क्या हुए जैसे पदों भगवान से लोग आए अरे चलो हाथ गुड़ चला रहे बेटा से लोन के पैसा मिल रहे। अब जाकर ना जेने सरकार कोई मर गए इससे कटरी सरपंच नहीं लगता, ना पैसा निकालता है मरे गरे कोई भी ना कर, और ना हमारे लोग के संगे जाता से कटरी सरपंच। हम अपने अटके तो अपने गाय माले कागज दिखाए 600 उन्हें जाए तो अपने निकाल रहा से जो कछु अपने नॉन बेचा दे तो खाए बनाए घर। और आपके क्या लगा कि दिल्ली और मुंबई ऐसे बड़े बड़े शहरों में क्या होते हुए? अब मालिक अब भगवान संसार है जनैया की का हो कि का नहीं हो, हमें तो जैसी हम भोग रहा है तो हमारी जा रही किसे रोइए, किसे कहिए कोई नहीं सुनता है।